हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आपने उत्तराखंड में पंच केदार का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें कि केदारनाथ, मद महेश्वर, तुंगनाथ, कल्पेश्वर और रुद्रनाथ महादेव शामिल हैं। आज हम जाएंगे इन सभी केदारों में से सबसे मुश्किल केदार, जहां महादेव जी ने अपने मुख के दर्शन पांडवों को दिए। आज हम जाएंगे देवों के देव महादेव के रुद्र रूप के दर्शन करने रुद्रनाथ। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस यात्रा की शुरुआत की हमने सगर गांव से। वैसे तो यहाँ जाने के कई रास्ते हैं, बट सगर वाला काफ़ी फेमस है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ट्रैक। लोग बताते हैं कि इस ट्रैक की लेंथ टोटल 22-24 किलोमीटर्स है, और आप इसे दो जगह से कर सकते हैं। पहला है सगर विलेज एंड सेकंड है मंडल विलेज से। हमने ये ट्रैक सगर विलेज से शुरू किया है और मंडल विलेज पर ख़त्म करेंगे। हमने ट्रैक की शुरुआत अराउंड 4:45 AM पर की थी। सगर में शुरू में आपको ईटेबल्स मिलते रहेंगे, जैसे लेज, मैगी एंड पराठाज वगैरह। यहीं से आप ईटेबल्स ले लें, क्योंकि फिर आगे 4-5 किलोमीटर्स अराउंड तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना खाने के लिए ना पीने के लिए। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि आप रात के अंधेरे में ये ट्रैक ना करें, क्योंकि जंगली जानवरों का डर यहाँ पर बना रहता है। कुछ और देर की चढ़ाई के बाद आप पहुंचेंगे अपनी पहली डेस्टिनेशन पर, जो है पुंग बुग्याल। यहाँ पर आप नाश्ता करने के साथ साथ फोटोग्राफ्स भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि व्यू बहुत ही प्यारा होगा। पुंग पर नाश्ता करने के बाद हमने फिर से अपनी चढ़ाई शुरू की। काफ़ी देर की चढ़ाई के बाद हम पहुँचे अपनी सेकेंड डेस्टिनेशन पर, जो है ल्यूटी बुग्याल। और बहुत ही बेहतरीन और अलौकिक दृश्य यहाँ पर था। बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करने के बाद हमने ल्यूटी में रात को ही स्टे किया। यहाँ पर वॉशरूम और पानी वगैरह की बहुत प्रॉब्लम है, ज़्यादा अच्छा कोई अरेंजमेंट भी नहीं है। अगले दिन फिर हमने 5:30 AM अराउंड चढ़ाई शुरू की, और यहाँ पर खाने की कोई शॉप नहीं है ल्यूटी के अलावा। ल्यूटी के बाद सीधा आपका स्टे मंदिर परिसर में ही होगा, और खाने का भी वहीं मिलेगा। ऊपर मंदिर में भी रहने के लिए ज़्यादा अरेंजमेंट्स बिल्कुल नहीं है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप जल्दी से वहाँ पर पहुँचें और नीचे से शुरू वाले टेंट ही रहने के लिए बुक कर लें। अब हम पहुँचे अपनी थर्ड डेस्टिनेशन पर, जो है पनार बुग्याल, जहाँ पर आपकी एक पर्ची कटेगी। यही पर्ची नीचे सगर में भी कटती है। अगर आपने नीचे सगर में नहीं कटवाई होगी पर्ची, तो यहाँ पनार में काट ली जाएगी। यहीं पर थोड़ा सा और आगे चलकर आपको पीने का पानी भी मिलेगा, दहरा का पानी कहते हैं इसको। यहाँ पर आप पानी भर भी सकते हैं, अपना मुँह वगैरह भी धो सकते हैं। यहाँ का पानी बहुत ठंडा होता है वैसे। कुछ और देर चलने के बाद हम पहुंचेंगे अपनी फोर्थ डेस्टिनेशन पर, जो है पितृधार। यहाँ की मान्यता है, मतलब लोग कहते हैं कि यहाँ पर अपने पूर्वजों के नाम के पत्थर रखकर हम कुछ भी कह के कि उन्हें ईश्वर के चरणों में जगह मिले, मोक्ष प्राप्त हो, कुछ भी कह के हम जो पत्थर रखते हैं तो वो अच्छा माना जाता है यहाँ पितृधार में। और यहाँ पर बहुत ही कौए होते हैं, मतलब इस वजह से भी हो सकता है लोकल लोग कहते हों कि पितृधार की मान्यता है। यहाँ पर हमने बहुत सारे कौए देखे। पितृधार क्रॉस करते ही 2-3 किलोमीटर पर आपको एक पॉइंट दिखेगा, वहाँ पर बहुत सारी घंटियाँ वगैरह हैं। उस पॉइंट से आपको रुद्रनाथ महादेव मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। वहाँ से भी आगे 2-3 किलोमीटर और है, फिर फाइनली आप पहुंच जाएंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर, जो है रुद्रनाथ महादेव मंदिर। बहुत ही सुंदर अलौकिक दृश्य आपको देखने को मिलेगा, जीते जी स्वर्ग इसे कह सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र स्थल है। आप अब पहुंच चुके हैं रुद्रनाथ। नाथ नाथों के ही नाथ, तू ही भोलेनाथ है, सहारा दे के नारा दे, तू सबके साथ है। ओ विश्वनाथ, तेरी माया कोई जान नहीं पाया, इस सृष्टि को रचाया तू।
शंभुनाथ है। रुद्रनाथ मंदिर परिसर से 200 मीटर और आगे जाकर एक बहुत ही बेहतरीन सुंदर कुंड है, सरस्वती कुंड। यहाँ से जल भरकर लोटे में शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो ये है सरस्वती कुंड। तो इसी के साथ पूरी होती है हमारी रुद्रनाथ महादेव मंदिर की यात्रा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड आई विश कि आप सब भी रुद्रनाथ ज़रूर जाएं। हर हर महादेव।